कोरोना काल में भारत में अरब पतियों के साथ ही करोड़ पतियों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हुरून की रिपोर्ट में भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ने का दावा किया गया है। इसके मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति मुंबई में है। करोड़पतियों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में खुश रहने वाले लोगों की संख्या भी कोरोना काल में घटने का दावा हुरून के इस सर्वे में किया गया है। कोरोना काल में मंदी, नौकरियों के जाने, आमदनी घटने जैसी खबरें छाई रहीं, लेकिन इस दौर में सुपर रिच लोगों की संपत्ति में जोरदार इजाफा होने की खबरों ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। अब हुरून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना काल में देश में करोड़पतियों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हुरून रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी से प्रभावित साल 2021 में भारत में डॉलर मिलियनरी वाले लोगों की संख्या में 11% का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद भारत में डॉलर मिलियनरी वाले लोगों की संख्या 4,58,000 हो गई है। हुरून के सर्वे के मुताबिक डॉलर मिलियनरी यानी 7 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले करोड़पतियों के मामले में मुंबई में सबसे ज्यादा 20,300, दिल्ली में 17,400 और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार हैं। जानकारों का मानना है कि कई सेक्टर्स में कमाई घटी है तो कई सेक्टर्स में कोरोना की वजह से बम्पर तेजी भी आई है। साथ ही प्रतिबंधों की वजह से लोगों के खर्चे भी महामारी के दौर में काफी घटे हैं। इससे भी लोगों की कुल नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। पैसों के मामले में भले ही कोरोना काल ने करोड़पतियों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन ये दौर लोगों की खुशी को घटाने की भी वजह बनी है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि निजी और पेशेवर जिंदगी में खुद को खुश बताने वाले लोगों की संख्या 2021 में घटकर 66% रह गई। इसके एक साल पहले निजी और पेशेवर जिंदगी में खुद को खुश बताने वाले लोगों की संख्या 72% थी। जानकारों के मुताबिक महामारी के दौर में छाई अनिश्चितता ने भी लोगों के चेहरे से खुशी छीनने का काम किया है। इस रिपोर्ट में कुछ और दिलचस्प बातें सामने आई हैं। सर्वे में शामिल 2/3 से ज्यादा डॉलर मिलियनरी ने कहा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेजना पसंद करेंगे, जिसमें अमेरिका उनकी पहली पसंद है। वहीं 1/4 की पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज है और वो हर 3 साल में अपनी कारों को बदलते हैं। होटल ताज सबसे पसंदीदा हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बना है, जबकि टाटा ग्रुप का ही तनिष्क पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड है। हालांकि महामारी के बाद जब दान का चलन बढ़ रहा है, तब हुरून के सर्वे में महज 19% करोड़पतियों ने कहा कि वो समाज को वापस देने में यकीन रखते हैं। आज तक ब्यूरो।